दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं कि हेवल्स का जो सीलिंग पंखा होता है उसमें कैपेसिटर का कनेक्शन किस तरह से किया हुआ रहता है। हेवल्स के पंखे के अंदर से तीन तार निकला होता है, उसमें एक सफेद तार होता है, एक काला तार होता है और एक लाल तार होता है। किसी किसी हेवल्स के पंखे में काला तार के जगह पर नीला तार भी हो सकता है। इसमें का सफेद वाला तार कॉमन तार होता है, काला तार स्टार्टिंग का तार होता है और लाल तार रनिंग का तार होता है। काला तार और लाल तार में कैपेसिटर का कनेक्शन किया जाता है और सफेद तार और लाल तार में हमें सप्लाई देना होता है। आप सफेद तार और लाल तार में से किसी भी तार में न्यूट्रल और किसी भी तार में फेज का सप्लाई दे सकते हैं। आपका सीलिंग पंखा सीधा ही घूमेगा। अब चलिए मैं आपको इस पंखे का कैपेसिटर दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, कंपनी जो है 2.25 MFD का कैपेसिटर लगा कर देता है हेवल्स के सीलिंग फैन में। तो दोस्तों, यदि आपके पास भी हेवल्स का सीलिंग फैन होगा तो आप भी उसमें कैपेसिटर का इस तरह से कनेक्शन कर सकते हैं।